Hello students, conversion of exclamatory sentences into indirect speech. Exclamatory sentences को indirect में किस तरह convert कर रहे हैं? Clear? उसके लिए कुछ rules regulations हैं. First तीन rules regulation तो common है, general है, यानी change in tense, change in pronoun and change in some special words or adverbs of time. वो तो हम उसी तरह करते रहेंगे. इसके साथ साथ कुछ specific rules भी हैं. Number one, said will be changed to exclaimed with sorrow, pain, wonder, happiness, terror, surprise, and sadness, etc. आपको देखना है कि ये sorrow की तरफ इशारा करता है, pain की तरफ या wonder की तरफ, और इस तरह happiness, terror, surprise ये सब इसमें आता है. तो उसके मुताबिक आपने ये चीजें लगानी है. Remove inverted commas. जो inverted commas use होते हैं उसको आपने remove करना है, यानी खत्म करना है. उसके बाद नंबर थर्ड, यूज दैट एज अ कंजंक्शन. दैट को बतौर एज कंजंक्शन आपने यूज करना है. नंबर फोर, पुट फुल स्टॉप और पीरियड एट द एंड. इनमें आपने फुल स्टॉप और पीरियड पुट करना है. नंबर फाइव, ऑल द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स विल बी रिमूव्ड. जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, हुर्रा, वाओ, आउच, आह, ये सब रिमूव होंगे. प्रैक्टिस कुछ सेंटेंसेस करते हैं. शी सेड, इनवर्टेड कॉमास, हुर्रा, I have got first position. इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? She exclaimed with happiness that she had got first position. Direct, he said how beautiful she is. Indirect, he exclaimed with wonder that she was very beautiful. याद रखिए, अगर कहीं पर भी आपको how या what आ नजर आ जाए तो आपने उसको very, very आपने उसको वेरी लगाना है. उसके बाद आपने वो मुतालिका वर्ड्स लगाना है. तो ये हुआ हमारे पास कुछ सेंटेंस. इसको किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल. देयर विल बी नो इशू. ओके.